प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। डॉक्टर्स को दुनिया में दूसरा भगवान कहा जाता है, क्योंकि यदि भगवान जीवन देते हैं तो डॉक्टर्स उन जिंदगियों को बचाए रखते हैं। इस समय भी कोरोना संकट के काल में डॉक्टर्स ही उम्मीद है। डॉक्टर्स ही हैं जो कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रहे हैं। कईयों ने तो इस जंग में दूसरों को बचाते हुए अपने आप को बलिदान तक कर दिया है। इन्हीं डॉक्टर्स को सम्मान देने और दुनिया में जीवन की रक्षा में उनके योगदान की सराहना करने के लिए प्रत्येक साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। भारत में डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत 1 जुलाई साल 1991 को हुई थी। डॉक्टर्स डे भारत के महान डॉक्टर और राजनेता डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर से लेकर राजनेता बनने तक इन्होंने जनमानस की जिस तरीके से सेवा की, उसी को सम्मान देने के लिए इस दिन को हैप्पी डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर आइए थोड़ा डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर रॉय का जन्म 1 जुलाई साल 1882 को पटना जिले के बांकीपुर गांव में हुआ था। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने कोलकाता से मेडिकल की पढ़ाई की, इसके बाद लंदन से MRCP और FRCS की उपाधि हासिल की। साल 1911 से उन्होंने बतौर डॉक्टर काम करना शुरू किया। उन्होंने हमेशा गरीबों को अपनी प्राथमिकता में रखा। उनका बहुत कम पैसों में या ज़्यादातर मुफ्त में इलाज किया। इसके बाद कोलकाता मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रोफेसर काम किया। डॉक्टर बिधानचंद रॉय ने इसके बाद कैंपबेल मेडिकल स्कूल और कारमिकल मेडिकल कॉलेज में भी अध्यापन का काम किया। साल 1928 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। आज़ादी के बाद साल 1948 में डॉक्टर बिधानचंद रॉय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। 14 जनवरी 1948 को उन्होंने बतौर CM अपना पदभार संभाला और 1 जुलाई 1962 तक मुख्यमंत्री रहे। पश्चिम बंगाल में किए गए उनके काम की वजह से उन्हें बंगाल का मसीहा और बंगाल का आर्किटेक्ट कहा जाता है। साल 1961 में उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर बिधानचंद रॉय ने 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। संयोग देखिए कि उनका निधन उनके जन्मदिन पर यानी 1 जुलाई 1962 को हुआ। उनके सम्मान में 1967 में दिल्ली में डॉक्टर BC रॉय स्मारक पुस्तकालय की स्थापना की गई। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।